मुस्लिम धर्मियांच्या धार्मिक ग्रंथ कुराणचे फाडतोड करत विटंबना केल्याची घटना कोपरगाव तालुक्यात घडली होती आणि या घटनेमुळे समस्त मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या असून संताप व्यक्त केला जातोय। त्यातच या घटनेच्या निषेधार्थ अहमदनगर शहरातील मुस्लिम बांधवांनी मोर्चा काढत असकृत्य करणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करा या मागणीसाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांना निवेदन देण्यात आलं। तर या प्रसंगी मुस्लिम समाज बांधव मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले होते। प्रतिनिधी मोहसिन खान, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर। और हम अपने मजहब की हिफाजत भी करने वाले हैं कानून के रास्ते से। हम किसी जो है वो बदमाश की बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून को साथ लेकर ऐसे बदमाशों को और ऐसे देशद्रोही को और ऐसे गद्दारों को जो कुरान की और किसी मजहब की बेहुर्मती करता है उनको कानून के तखड़े में लाएंगे और उनको सजा देंगे। हम अपने हाथ से नहीं, हमारे पास कानून है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इस मुल्क में कानून है, यहाँ जंगल राज नहीं है। ये समझ रहे हैं भी।